हेलो, कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज इसके अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। लाभांश के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाभांश क्या है। लाभांश का शाब्दिक अर्थ होता है लाभ का अंश, अर्थात ऐसा अंश जिसे वितरित किया जाता है या वितरण किया जाता है। अंग्रेजी में इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी की समस्त आय में से समस्त व्ययों को पूरा करने के बाद, देने के बाद, करों का प्रावधान करने के बाद और कोषों का निर्माण करने के बाद जो शेष राशि बच जाती है उससे अंशधारियों को लाभांश वितरण का निर्णय लिया जाता है। तो सभी कार्य खर्चों को पूरा करने के बाद और सभी प्रावधान करने के बाद, कोषों को निर्माण करने के बाद जो कंपनी के पास राशि बच जाती है उसको लाभांश के रूप में, अर्थात लाभ के एक अंश के रूप में अंशधारियों को वितरित कर दिया जाता है। किंतु यह लाभांश कंपनी द्वारा तब घोषित किया जाता है जब कंपनी में पर्याप्त लाभ हो, दूसरा संचालक मंडल ने सिफारिश कर दी हो, तीसरा वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों की स्वीकृति मिल गई हो, तभी लाभांश को वितरित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे लाभांश नीति को या लाभांश निर्णय को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। पहला है लाभ की मात्रा। किसी कंपनी में लाभांश की मात्रा को सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला घटक लाभ की मात्रा है। अधिक लाभ होने पर अधिक लाभांश, कम लाभ होने पर कम लाभांश वितरित किया जाता है। दूसरा है लाभांश की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ डिविडेंड। लाभांश का निर्णय लेने के पूर्व यह देखा जाता है कि गत वर्षों में कितना प्रतिशत लाभ का अंश दिया गया है, क्योंकि अचानक कम दर पर लाभांश घोषित करने से अंशधारी नाराज हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर लाभांश घोषित किया जाता है। तीसरा है भावी वित्तीय आवश्यकताएं। लाभांश निर्णय को निर्धारित करने के पूर्व यह विचार करना आवश्यक है कि उपक्रम को अपने विस्तार और विकास के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है और लाभ का कितना भाग पुनर्विनियोजित किया जाएगा। अन्य शब्दों में कहें तो यदि भविष्य में अधिक नवीन पूंजी की आवश्यकता होगी तो कम लाभांश दिया जाएगा और आवश्यकता कम रहने पर ज्यादा लाभांश दिया जाएगा। चौथा है तरल कोष की मात्रा। किसी उपक्रम में लाभांश निर्णय को वहां के तरल कोष की मात्रा काफी सीमा तक प्रभावित करती है। यदि उपक्रम में तरल कोष की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो इस कोष में लाभ का हिस्सा स्थानांतरित करने से लाभांश की मात्रा कम हो जाती है, जबकि तरल कोष की आवश्यकता कम रहने पर ऊंचे दरों पर लाभांश घोषित किया जाता है। पांचवा है अंशधारियों की स्थिति। अंशधारी जो होते हैं वो संस्था के स्वामी होते हैं और उनको नाराज करना उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपनी में सर्वाधिक हित संस्था का देखा जाता है। यदि अंशधारी कम लाभ से संतुष्ट हो जाते हैं और अधिक लाभ की अपेक्षा नहीं रखते तब कम लाभांश दर घोषित किया जाना उचित माना जाता है। छठवां है वैधानिक प्रतिबंध। लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम 1956 में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और इनको ध्यान में रखकर ही कंपनी लाभांश की घोषणा करती है। सातवां है कर नीति। कभी कभी सरकार की कर नीति भी लाभांश निर्णय को प्रभावित करती है। पूंजी निर्माण की दृष्टि से सरकार पूंजी संचय करने वालों को आयकर में छूट देती है, तो ऊंची दर पर लाभांश घोषित करने वाली संस्थाओं पर अतिरिक्त कर लगाकर लाभों को प्रतिधारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इससे कम लाभांश देना संचालकों की मजबूरी बन जाती है। आठवां है कंपनी की आयु। नई स्थापित कंपनियां अपने विस्तार व पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कम दर पर लाभांश घोषित करती हैं और साथ ही नवीन कंपनी को आसानी से बाजार में ऋण भी उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए उनको पूंजी के लिए लाभों पर ही निर्भर रहना पड़ता है और इसीलिए वो लाभ को कम घोषित कर उसको पुनर्विनियोजित करती हैं, जबकि पुरानी कंपनियों को पूंजी की आवश्यकता कम रहने पर ऊंची दर पर लाभांश घोषित करना आवश्यक हो जाता है। नवा कारण है आय में स्थायित्व। जिन कंपनियों की आय में अधिक उच्चावचन नहीं होता और उनकी आय स्थिर रहती है उनकी लाभांश
की घोषणा ऊंचे दर पर किया जाता है, जबकि अस्थायी आय वाली कंपनियों को कम दर पर लाभांश दिया जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं, जो प्रमुख कारण थे वो आप लोग को समझा दिया, और इसके बाद हम लोग अगले अध्याय की ओर रुख करेंगे, और जहां हम लोग देखेंगे विपणन प्रबंध किसे कहते हैं।